यहाँ जो बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जो ना तो साइंस फिक्शन मूवी होती है और ना ही एक्शन मूवी होती, फिर भी लोग बड़े मजे से इन्हें देखते हैं क्योंकि इन मूवीज में लगा होता है हॉटनेस का तड़का। तो यहाँ जो बात करने वाला हूँ उन मूवीज के बारे में जिसे देखकर आपके नीचे वाली जगह पे हलचल होने लगेगी। तो मेरी एक गुजारिश है बच्चों एवं बूढ़ों से कि वे इस वीडियो से दूर रहें क्योंकि बच्चों को ये देखना नहीं चाहिए और बूढ़ों से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे मूवीज जिसमें एडल्ट सीन्स की भरमार है। ये सारी मूवीज आपको हिंदी में मिल जाएगी तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मूवी देखो और अपने हाथ को काम पे लगाओ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन पाई प्रेजेंट्स द नेकेड माइल, ये एक सेक्स कॉमेडी मूवी और इसे डायरेक्ट किया है जोनस बॉम ने। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। इस मूवी की कहानी दो लवर्स एरिक एवं ट्रेसी के बारे में है। ये दोनों अभी तक वर्जिन हैं। वर्जिन होने के कारण एरिक के सारे दोस्त उसकी बहुत खिंचाई करते हैं। एरिक और ट्रेसी जब सेक्स करने के लिए जाते हैं तो ये दोनों सेक्स नहीं कर पाते क्योंकि इन दोनों के पास सेक्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। बाद में ट्रेसी एरिक को एक सप्ताह के लिए गिल्ट फ्री पास देती है, यानी एरिक एक सप्ताह तक किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। एरिक इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने कजिन के पास नेकेड माइल देखने के लिए चला जाता है। नेकेड माइल एक ऐसा दौड़ है जिसमें सारे लड़के एवं लड़कियां नंगे दौड़ते हैं। इस मूवी में भी आपको कॉमेडी एवं एडल्ट सीन का तड़का मिलेगा। वैन वाइल्डर ये साल 2002 में आई एक एडल्ट कॉमेडी मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था वाल्ट बेकर ने। इस मूवी के लीड रोल में रायन रेनोल्ड एवं टारा रीड नजर आई थीं। इस मूवी की कहानी वैन नाम के एक लड़के की है जो 7 सालों से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। वह हर साल फेल हो जाता है। वैन अपना सारा समय पढ़ने लिखने में नहीं बल्कि मौज मस्ती में बिताता है। दरअसल वैन पास ही नहीं होना चाहता है, वह कॉलेज में रहकर ही मौज मस्ती करना चाहता है। वैन अपनी लाइफ में कैसे सीरियस होता और कैसे ग्रेजुएट होता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी में आपको ढेर सारा कॉमेडी और एडल्ट सीन देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आप ये कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। क्रूएल इंटेंशंस, ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी और इसे डायरेक्ट किया है रॉजर कंबल ने। इस मूवी के लीड रोल में सारा मिशेल जेला, रायन फिलिप्स, रीस विदरस्पून एवं सेल्मा ब्लेयर हैं। इस मूवी की कहानी दो ऐसे स्टेप ब्रदर एवं सिस्टर की है जो लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और बाद में मतलब निकल जाने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा लोगों के साथ मजे करता है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, साथ ही इसमें आपको रोमांस एवं एडल्ट सीन भी देखने को मिलेगा। अमेरिकन रीयूनियन, ये एक सेक्स कॉमेडी मूवी और इसे डायरेक्ट किया है जॉन हर्विट्स ने। इस मूवी की कास्ट बहुत लंबी है तो चलिए सीधे बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। इस मूवी की कहानी कुछ ऐसे कॉलेज के दोस्तों की है जो ग्रेजुएशन के 3 साल बाद रीयूनियन पर मिलते हैं। ये सारे लोग अपने अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों से मिलते हैं और मजे करते हैं। इस मूवी का सबसे इम्प्रेसिव कैरेक्टर है स्टीव का, जिसका रोल प्ले किया है सोन विलियम वेस्ट ने। ये बंदा पूरी मूवी में आपको हंसाता रहेगा। ये लोग कॉलेज रीयूनियन में ऐसे ऐसे कांड करते हैं जिसे करना हर कॉलेज स्टूडेंट का सपना होता है। स्टीव के सारे दोस्त अपनी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करते हैं, लेकिन जब स्टीवन को कोई नहीं मिलता है तो वो अपनी दोस्त की माँ के साथ ही कांड कर देता है। इस मूवी में आपको बहुत सारा एडल्ट सीन एवं कॉमेडी देखने को मिलेगा। यह बहुत ही अच्छी मूवी है, आपको देखकर मजा आएगा। सर्वाइवल आइलैंड, ये एक एरोटिक थ्रिलर मूवी और इसे डायरेक्ट किया है स्टीवर्ट राइफिल ने। इस मूवी के लीड रोल में केली ब्रुक, बिली जैन एवं पेब्लो डी पेस हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। एक आदमी अपने परिवार के साथ समुद्र में घूमने जाता है। उनके साथ एक आदमी भी होता है जिसे समुद्र एवं जहाज की जानकारी होती है। एक दुर्घटना के कारण सारे लोग मारे जाते हैं, इनमें से केवल 3 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। एक तो वो आदमी जिसे जहाज की जानकारी है और दूसरे वो पति पत्नी जो समुद्र में घूमने गए थे। ये तीनों लोग एक द्वीप पर फंस जाते हैं। तो अब शुरू होता है असली खेला। औरत एक और आदमी दो, ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये दोनों आदमी औरत के साथ अलग अलग कांड करते हैं। इस मूवी में आपको जमीन एवं पानी दोनों जगहों पर कांड देखने को मिलेगा। इस मूवी में जितने भी हॉट सीन दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा ओपन है, मतलब एकदम पूरा खुला खुला। अगर आपको एडल्ट मूवी पसंद आती है तो ये मूवी बस आपके लिए ही है। ये मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो लाइक करें, और अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करें, और आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।